सच में यार, आज तो अपने लॉस एंजेलिस का मौसम काफी ब्यूटीफुल हो रहा है। इसी मौसम के चक्कर में गाइस आज मैंने ना अपने ऑफिस की छुट्टी कर ली गाइस। अब लेकिन मैं अपने घर पे करूँ क्या यार, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। काम करता हूँ सिंचन के साथ यार, थोड़ी मौज मस्ती कर लेता हूँ। हेलो सिंचन भाई, क्या हाल है तेरे? आज तू भी स्कूल नहीं गया? अरे फ्रेंगल भाई यार, मेरी ना 2 दिन की स्कूल की छुट्टी चल रही है, इसलिए फ्रेंगल भाई यार मैं तो घर पे हूँ। लेकिन तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? अब सिंचन मैंने ऑफिस की तो छुट्टी कर ली, लेकिन सिंचन अब मैं घर पे करूँ क्या? अरे फ्रेंगल भाई यार, वो जो यार 3 महीने से गाड़ी हमारे घर में खड़ी है, प्लीज यार आज उसको बाहर निकाल दो ना। हाँ सिंचन यार, ये 3 महीने कंटिन्यू हमारे घर के अंदर तो खड़ी है, लेकिन सिंचन इसको बाहर कैसे निकाले भाई? गाइस आप ये जो मेरे घर के अंदर गाड़ी देख रहे हो ना गाइस, 3 महीने पहले बेनी ने ना इसको यार मेरे घर के अंदर ही बनाया था। और गाइस आपको पता है इस गाड़ी की एक खास बात है, ये ना गाइस रिमोट से चलती है। हाँ गाइस, ये इतनी बड़ी गाड़ी होके भी गाइस ये रिमोट कंट्रोल कार है, इसके अंदर बैठ के गाइस हम इसको चला नहीं सकते, इसको भाई हमने रिमोट से चलाते हैं। अरे हाँ फ्रेंगल भाई यार, इसलिए तो कह रहा हूँ यार इसको बाहर निकालो, उसके बाद फ्रेंगल भाई यार हम तो मस्त यार रिमोट से चलाएंगे इसको। सही कह रहा है सिंचन, आज भाई इसको बाहर ही निकालते हैं। लेकिन इसको हम सिंचन निकालेंगे कैसे? अरे सीडियो से निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे फ्रेंकल भैया? अबे नहीं सिंचन, यहाँ तक अगर अपनी गाड़ी भी आ गई ना तो सिंचन मुड़ तो पाएगी नहीं। उसके लिए सिंचन हमको ना एक रैंप की जरूरत है। अगर सिंचन हम रैंप लेके आए ना, उसके बाद सिंचन रैंप से चढ़ा के शायद हम इस गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं सिंचन, चलते है भाई एक रैंप लेके आते हैं काफी बड़ा, उसके बाद सिंचन इसको बाहर निकालेंगे, आएगा ना फिर सिंचन मजा। अरे हाँ सही कह रहे फ्रेंकल भैया। और गाइस ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर की, ये भी गाइस मैंने खुद ही बनाई थी अपने घर में। अरे फ्रेंकल भैया मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे लिए ना फ्रेंकल भैया ऊपर एक रूम बना दो, जिसमें फ्रेंकल मैं आराम से यार रह सकूं। आजा सिंचन के बच्चे, चल रहा है तो मेरे साथ चल ले। और ये देखो गाइस, एक गाड़ी यार मेरे गैराज के अंदर खड़ी है, ये भी गाइस एकदम वेस्ट कार है, मतलब एक्सीडेंट हो रखा है इसका। हम चाहे तो गाइस इसको ठीक करा सकते हैं, लेकिन क्या करें गाइस, पैसे तो अपने पास है नहीं। और ये देखो, ये है गाइस अपनी टैक्सी, इसे गाइस मैं 2 महीने पहले चलाता था, लेकिन अभी यार ये मेरे घर के अंदर ही खड़ी रहती है। चल सिंचन जल्दी बैठ, चलते भाई रैंप लेके आते हैं, उसके बाद सिंचन अपनी आज गाड़ी को बाहर निकाल के चलाएंगे, वो भी रिमोट से। अरे फिंगल भी हम इस गाड़ी के अंदर बैठ के भी तो चला सकते हैं ना रिमोट से। हाँ सिंचन, गाड़ी के अंदर मस्त बैठ के, उसके बाद सिंचन आराम से पीछे बैठ के हम उस गाड़ी को चला सकते हैं। ऐसे तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ भाई, तूने अपनी गाय दे दी, अब मैं इस गाय का दूध निकाल के डेली बेचे करूंगा। अरे भाई थैंक यू, तुमने हमारी गाय खरीद ली, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है, मुझे गाय की जरूरत थी, मैंने तुझे पैसे दिए और गाय ले ली। लेकिन मुझे गिफ्ट की बहुत जरूरत होती है, मुझे ये गाय तो मिल गई, लेकिन इस बंदे से मैंने बोला कि भाई मुझे गिफ्ट भी दे दे, इसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, अब मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। अब क्या करूं, गाय मैंने खरीद ली लेकिन गिफ्ट कहां से लूं? एक काम करता हूं, कहीं से कुछ सामान चोरी करने की कोशिश करते हो। अगर मैंने कोई सामान चोरी कर लिया तो समझ लो इस गाय के साथ वो मेरे को गिफ्ट मिल गया, बम्पर ऑफर में मजा ही आ गया ना। लेकिन ये जो मेरी गाड़ी है ये काफी खराब हो रखी है, एक सेकंड, ये गैराज के अंदर गाड़ी खड़ी है क्या? अरे सेठ यार, इसका तो पूरा एक्सीडेंट हो रखा है, लेकिन मैं इसको कवाड़े में तो बेच ही सकता हूँ। हाँ अगर मैंने इसको कवाड़े में बेच दिया तो मेरे को पैसा तो मिल ही जाएगा ना, यही समझ लूंगा कि मुझे गाय के साथ एक गिफ्ट और मिल गया। लेकिन अब मैं इसे लेके कैसे जाऊँ, लगता है अपने दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसे चुराता हूँ गाड़ी को। चलो यार, मैंने अपना दिमाग लगा के अपनी ट्रॉली के ऊपर इस गाड़ी को खड़ा कर दिया, और फिर गाड़ी के ऊपर अपनी गाय को खड़ा कर दिया। दिमाग तो है वैसे मेरे में, पर चलाता वलाता नहीं हूं, इसलिए थोड़ा जंग पड़ गया मेरे दिमाग में। चलो अब से दिमाग भी चलाए करेंगे, अब जल्दी चल के इस गाड़ी को बेच देता हूं, उसके बाद तो अपनी गाय का दूध निकाल के पीऊंगा, मजा ही आ जाएगा। सिंचन अभी हम रैंप की शॉप पर तो पहुंच चुके हैं, बस सिंचन काफी बड़ा रैंप मिल जाए हमको। ये देख सिंचन, ये वाला रैंप मेरे ख्याल से सही रहेगा, ये देख कितना बड़ा रैंप है। अरे हां फ्रेंगल भाई यार, इस रैंप से तो यार हमारी गाड़ी यार हमारे घर में से बाहर निकल जाएगी। हेलो भाई क्या हाल है तुम्हारे? मेरे तो हाल चाल काफी बढ़िया है, बताओ क्या खरीदने आए हो? रैंप छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, मीडियम मिलेगा, जोन से रैंप आप लेना चाहते हो, हमारी शॉप पे सब कुछ अवेलेबल है, चेक कर लो। हाँ भाई चेक कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा रैंप ही चाहिए। हाँ तो सबसे बड़ा रैंप सिर्फ हमारी शॉप पर एक ही है, ये जो तुम्हारे पीछे है। क्या कहता है सिंचन भाई, यही परचेज कर ले क्या? अरे हाँ फ्रेंगल भाई परचेज कर लो। अरे परचेज क्या कर रहे फ्रेंगल भाई, रेंट पे ले लो। हाँ रेंट पे भी मिलता है, एक दिन के रेंट का है इसका, पूरे के पूरे $100। क्या $100, वो भी एक दिन का? अरे यार चल कोई नहीं यार सिंचन, पे तो हमको करना ही पड़ेंगे, क्योंकि यार वो गाड़ी हमको बाहर जो निकाल दिया है। चलो फटाफट से गाइस मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन एक सेकंड यार, हम इसको लेके कैसे जाएंगे? मेरे ख्याल से गाइस ये बाहर की तरफ दो दो ट्रक तो खड़े हैं, इस ट्रक के अंदर हमको ये रैंप लेके जाना पड़ेगा क्या? अरे हाँ तुमने सही समझा, ये जो दो ट्रक है ना, इस पे तुमको अपने बड़े रैंप को लेके जाना पड़ेगा अपने घर पे। अरे यार ये इतना बड़ा रैंप और ये ट्रक कितने छोटे है, अरे तुम इस रैंप को भारी समझ रहे हो क्या? ये जो रैंप है बहुत छोटा है, मतलब बड़ा है लेकिन इसका जो वेट है ना, वेट काफी कम है, इसलिए ट्रक पे आराम से चले जाएगा। भाई देख ले कुछ होना जाए। अरे कुछ नहीं होगा, हमारा रोज का काम है, तुम रखो फटाफट से ट्रक पे से। तो फाइनली गाइस अभी यार इस रैंप को हमने यार अपने ट्रक के ऊपर तो रख लिया है, लेकिन यार सिंचन मेरे को काफी डर लग रहा है यार हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे हाँ यार ध्यान से चलाना, देखना यार कितना बड़ा रैंप है। सिंचन भाई इसको यार बड़ा ट्रक रखना चाहिए था, लेकिन सिंचन इसके पास इतने छोटे ट्रक है, और अपना ये जो रैंप है भाई कितना बड़ा है। अरे देख के चलाना फ्रेंगल भाई यार, अगर एक्सीडेंट हुआ ना तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि यार ये जो रैंप है ना ये पूरे का पूरा लोहे का है। अरे अरे ये देखिए सिंचन,
अभी बंदा खाली पीली बीच में आता और ठुक और जाता। और गाइस जब तक हम अपने घर पे पहुंच रहे ना, आप लोग गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार। अरे भाई साहब ये क्या है? अरे अटाले भाई क्या लेके घूम रहे तू बीच सड़क पे? अरे भाई तू समझेगा नहीं ये क्या चीज है। अरे हाँ यार अभी इनको क्या पता है हमको यार घर के अंदर से गाड़ी निकालनी है, वो भी बाहर इस रैंप के जरिए। चलो यार जैसे तैसे करके हम अपनी गली के अंदर तो पहुंच चुके हैं। और गाइस ये जो हमारा रैंप है ना, इसको गाइस अभी हमने रोटेट कर दिया है दूसरे एंगल में, क्योंकि गाइस उस एंगल में यार काफी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ यार आगे का कुछ दिख ही नहीं रहता फ्रेंगल में, इसलिए यार हमने इसको यार रोटेट कर दिया। अबे ये कौन है सिंचन? अरे ये तो लिटिल सिंगम है। और ये ट्रक कितना खराब है सिंचन, इसके तो ब्रेक वगैरह भी नहीं लग रहे। ओ फ्रेंगल भैया ये क्या चीज लेके आ गए? फ्रेंगल भैया आपको पता है आज फ्रेंगल भैया मैं स्कूल नहीं गया। अबे तेरे तो स्कूल की छुट्टी चढ़ ली है ना भाई, सिंचन ने मेरे को बताया। अरे पर फ्रेंगल भैया ये बताओ ये क्या लेके आ गए? ये तो रैंप टाइप लग रहा है। हाँ भाई ये रैंप, ये तुझे तो पता ही है हमारे घर में 3 महीने से गाड़ी खड़ी है, आज फाइनली इसको बाहर निकालने का टाइम आ गया। तो गाइस अभी इस रैंप को यार हम नीचे तो लेके आ गए हैं। और गाइस देखने में यार ये जो रैंप है काफी भारी लगता है, लेकिन यार ये ना सच में काफी हल्का है यार। सिंचन में और लिटिल सिंह हम इसको उठा के यार अंदर तो लेके आ गए। अब गाइस यार इस गाड़ी को हमको यार अपनी छत पे लेके आना है, उसके बाद गाइस छत से एकदम डायरेक्ट हमको अपनी गली में कुदा देनी है गाड़ी। अरे फ्रेंगल भैया लाओ यार रिमोट मुझे दो, मैं चलाऊंगा इसको। अबे सिंचन तू नहीं चला पाएगा, अरे प्लीज यार मुझे चलाने दो यार। चल सिंचन भाई एकदम ध्यान से निकालियो और देख ले सिंचन, अगर तू चढ़ा नहीं पाए ना इस रैंप पे तो देख तेरे से रिमोट मैं छीन लूंगा। अरे फ्रेंगल भैया तुम क्यों चिंता कर रहे हो यार, मैंने रिमोट से बहुत छोटी कार चलाई है, लेकिन आज देखो यार रिमोट से मैं कितनी बड़ी कार चला रहा हूँ। ओ बहुत बढ़िया सिंचन भाई चढ़ा दे, तू चढ़ा सकता है। अबे सिंचन आराम से। अरे लो फ्रेंगल भाई यार मैंने तो अपनी छत पे चढ़ा दी, अब फ्रेंगल भाई बस यार छत से कुदाना है। सिंचन भाई कुदा दे भाई, उसके बाद तो गाड़ी में बैठेंगे और फिर रिमोट से चलाएंगे इस गाड़ी को। अरे हाँ लिटिल सिंगम भाई बहुत मजा आएगा, और कल से तो भाई इसी में बैठ के जाएंगे अपने स्कूल में। ओ सिंचन भाई तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, कुदा दे सिंचन कुदा दे। अरे बाबरे ये तो यार उल्टी पुलटी हो गई, अब इसको सीधा कैसे करना है? मुझे पता था सिंचन तो कुछ ना कुछ तो करेगा। अरे ये ले फ्रेंगल भाई कर दी ना सीधी, बढ़िया फ्रेंगल भाई यार ये कार तो सच में काफी ओपी है। चलो यार इस गाड़ी को हमने अपने घर के बाहर तो निकाल लिया, अब बारी है गाइस इस गाड़ी के अंदर घूमने की, मजा ही आ गया इसे चला के। तो सिंचन भाई फटाफट से रिमोट मुझे दिखा, मैं चलाऊंगा इस गाड़ी को। और फ्रेंगल भैया मेरी बारी कब आएगी, मैं भी चलाऊंगा फ्रेंगल भैया से अपने रिमोट से। अरे लिटिल सिंगम भाई पिछली बार जब तेरे पास रिमोट कंट्रोल कार थी तो भाई तूने मुझे दिखाई नहीं थी, पहले तो मैं ही चलाऊंगा फ्रेंगल भैया इसको यार रिमोट से। आओ भाई तुम सारे के सारी गाड़ी के अंदर बैठो। हाँ सिंचन भाई गाड़ी के अंदर बैठ के चला भाई रिमोट से, जब आएगा असली मजा। और फिर भाई पीछे दे दियो रिमोट, फ्रेंकल भैया चलाएंगे फिर मैं चलाऊंगा। हाँ यार फिर फ्रेंकल भैया और फिर तेरी बारी आएगी लास्ट में, चला दे सिंचन भाई कैसा लग रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है। वैसे सिंचन स्पीड काफी स्लो है, एक बटन होगा सिंचन उसको प्रेस कर फटाफट से, लुक कर दिया फ्रेंकल भैया। लेकिन यार इसकी स्पीड तो अभी भी नहीं बढ़ी, ले सिंचन धीरे धीरे बढ़ तो रही है। और सिंचन याद रखे भाई ज्यादा तेज चला मत दियो, क्या कर रहा है तू? अरे गलती से फ्रेंकल भैया उधर की साइड चली गई, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं फ्रेंकल भैया एकदम अच्छे से चला सकता हूँ क्योंकि मैंने रिमोट कंट्रोल कार बहुत चलाई है। तो फ्रेंकल भैया यार मेरे को आती है गाड़ी चलानी। अरे ये क्या हो रहा है? अबे क्या कर रहा है सिंचन के बच्चे? अरे यार फ्रेंकल भैया यार ये तो अनकंट्रोल हो गई, फ्रेंकल भैया यार रिमोट से कंट्रोल नहीं हो रही, देखो यार मैं रिमोट को घुमा रहा हूँ लेकिन चल नहीं रही, ऑटोमेटिक चल रही है। अबे सिंचन के बच्चे तू तो मरवाएगा। अबे यार सिंचन रोक इसे रोक। अरे नहीं रुक रही फ्रेंकल भैया, अरे कहीं फ्रेंकल भैया इसकी स्पीड ना बढ़ जाए। ये लो यार बोलती इसकी तो स्पीड भी बढ़ गई, अब क्या करें? लगता है सिंचन भाई हम तो गए, अब क्या करें भाई, जैसे कहीं पे गाड़ी की स्पीड स्लो ना तो सिंचन भाई हमको नीचे कूदना होगा। अरे बाप रे फ्रेंकल भैया बचाओ यार मेरे को कल स्कूल भी जाना है। अरे चुप हो जा लिटिल सिंगम के बच्चे, यार ये कार तो बहुत बेकार है फ्रेंकल भैया यार, अनकंट्रोल होगी। सिंचन भाई बैनी के बच्चे ने पता नहीं कैसे बनाई है, फटाफट से उतर जाओ। ये लो मैं तो उतर भी गया, बच गए फ्रेंकल भैया, मुझे तो लग नहीं रहा था कि आज हम बच भी पाएंगे। अब सिंचन भाई एक काम करते हैं, तू ना मेरे को रिमोट दिखा और कोई भी इस गाड़ी के अंदर नहीं बैठेगा, मैं भी तो देखूं भाई क्या प्रॉब्लम हुई जो ये अनकंट्रोल हो गई। हाँ फ्रेंकल भैया चलाओ यार अनकंट्रोल हो गई थी। तो गाइस अभी मैंने रिमोट तो ले लिया है और यार गाड़ी तो काफी प्यार से चल रही है, मुझे लग रहा है सिंचन के बच्चे तू ना ही कुछ गड़बड़ी करी होगी। देखना फ्रेंकल भैया गाड़ी कितने मस्त चल रही है, फ्रेंकल भैया कहीं भी अनकंट्रोल नहीं हो रही। ये देख सिंचन मैं जहां मोड़ रहा हूँ सिंचन इस गाड़ी को, यार ये तो उस तरफ ही मुड़ रही है आसानी से। सिंचन के बच्चे पक्का भाई तुझे चलानी नहीं आती? अरे क्यों नहीं आती फ्रेंकल भैया, यार मैंने बहुत चलाई है रिमोट कंट्रोल कर, ये देखो। अरे बाप रे ये तो सिंचन भाई काफी खतरनाक है। लेकिन सिंचन ऐसा पता है क्यों हुआ? देख सिंचन यहाँ पर डेंजर बटन है ना सिंचन, अभी मैंने इसको प्रेस करा उसके बाद सिंचन इसकी स्पीड काफी हाई होगी और भाई ये अनकंट्रोल भी होगी थी अभी तो। पक्का सिंचन तूने भी भाई गलती से ये बटन प्रेस कर दिया होगा, उसके बाद सिंचन हमारी गाड़ी होगी अनकंट्रोल। तो सिंचन इस बटन को हमको गलती से भी प्रेस नहीं करना, और अभी चलते हैं सिंचन बैनी के पास। लेकिन फ्रेंकल भैया जाएंगे किससे भाई? अपनी इस गाड़ी से जाएंगे, और सिंचन मैं चलाने वाला हूँ इस गाड़ी को, वो भी रिमोट के अंदर से। जल्दी बैठो तुम सारे के सारे। ओ फ्रेंकल भैया मेरे को तो डर लग रहा भाई, देख लेना इस बार अनकंट्रोल ना हो जाए कहीं, फ्रेंकल भैया इस बार तो बच गया अगली बार ना बचे अनकंट्रोल हो गई तो गाड़ी। अरे लिटिल सिंगम के बच्चे भाई सब से बोल, गलत मत बोल बिल्कुल भी, अगर अनकंट्रोल हुई ना तो यार हम तो जान से जाएंगे। अबे यार तुम चुप हो जाओ, इस बार रिमोट मेरे हाथ में, मैं एकदम प्यार से चलाऊंगा। और सिंचन चलते हैं भाई बैनी के पास, बैनी को दिखाएंगे सिंचन के भाई हमने इस गाड़ी को घर से बाहर तो निकाल लिया, और उसको सिंचन ये प्रॉब्लम भी बताएंगे आखिरकार इसमें ये कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। और फ्रेंकल भाई ये सोचो यार ये गाड़ी कितनी यूनिक है ना, तो फ्रेंकल भाई अगर हम इसको बेचेंगे तो ये कितने में बिकेगी? और वाह सिंचन भाई ये करिए ना तूने एकदम बढ़िया वाली बात। हाँ फ्रेंकल भाई इस गाड़ी को बेच देते हैं, उसके बाद फ्रेंकल भाई एक बढ़िया सी सुपर
कार खरीद लेंगे इसको बेच के। अबे पागल हो रहा है क्या, ये गाड़ी सुपर कार के रेट में कहीं जाएगी, इससे हमें ज्यादा पैसे मिलने नहीं वाले। अरे फ्रेंगल भाई यार मिल सकते हैं बहुत सारे पैसे, क्योंकि फ्रेंगल भाई यार ये न्यू टेक्नोलॉजी कहना है, तो फ्रेंगल भाई पक्का यार इस गाड़ी को कोई बहुत महंगे में खरीद सकता है। सिंचन अभी हम यार बैनी की शॉप पर तो पहुंच चुके हैं। फ्रेंगल भाई वैसे बैनी भैया काम क्या करते हैं? अबे बैनी का बच्चा गाड़ी तो बनाता है और गाड़ियों को रिपेयर करता है। हेलो बैनी भाई क्या हाल चाल है तेरे? अरे फ्रेंकिल भाई मेरी सब पे कैसे आने हुआ? और एक सेकंड यार, ये गाड़ी तो वही गाड़ी है ना जो भाई मैंने रिमोट कंट्रोल कार बनाई थी। अरे हाँ बैनी भाई ये वही कार है, हमने यार घर से बाहर निकल दी। बहुत अच्छे फ्रेंकिल, तूने इसे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पास ना बहुत अच्छा आइडिया है फ्रेंकिल तेरे लिए। बहुत अच्छा आइडिया मतलब? भाई देख ये जो मेरे पीछे तीन कार देख रहे ना, ये तीनों कार भाई मैंने ऐसी कार बनाई है, ये भाई रिमोट से चलती है सच में। और क्या भाई, अब मेरा प्लान तो सुन ले भाई, अब मैं इन कार को बेचने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये है न्यू टेक्नोलॉजी, तो भाई ये जरूर काफी महंगी कार बिक सकती है, क्योंकि भाई ये ऐसी पहली कार है जिनको भाई कोई पीछे बैठ के भी चला सकता है रिमोट के जरिए। अरे बैनी भैया अभी हम यार तुमसे भी यही बात करने आए थे। बैनी भैया यार ये जो हमारी कार है ना, हम भी यार इसको बेचने वाले थे। फ्रेंकिल भाई यार बताओ ना, अभी हम यही तो बात कर रहे थे। हाँ बैनी भाई अभी हम रास्ते में भाई यही बात कर रहे थे। फ्रेंकिल अब तो एक काम कर भाई, मेरी तीनों में से एक कार लेके जा और भाई एक को बेच के आ जा। अगर फ्रेंकिल तुमने भाई एक कार को बेच दिया ना, तो फ्रेंकिल मैं तेरे को कमीशन दूंगा, समझ रहे ना, 50%, मतलब जो भी पैसा मिलेगा उसमें से आधा पैसा तेरा आधा पैसा मेरा। बढ़िया सिंचन ये कार मस्त लग रही है, पहले इसे चला के देखते हैं। लेकिन एक सेकंड सिंचन, ये तो भाई बिना रिमोट से भी चल रही है। अरे हाँ फ्रेंकिल इसमें दोनों ऑप्शन है भाई। इसका मतलब सिंचन भाई ये कार रिमोट से भी चल सकती है और बिना रिमोट के भी चल सकती है। रिमोट कहाँ है? अरे फ्रेंकिल भाई देखो ये पड़ा पीछे रिमोट। चलो फ्रेंकिल भाई मैं रिमोट से चलाऊं, पागल है क्या? अभी भाई मेरे को चलान दे स्टीयरिंग सही, उसके बाद में चलाएंगे इसको रिमोट से। वैसे सिंचन तुझे क्या लगता है भाई, हमको इस गाड़ी को किसको बेचना चाहिए? अरे किसी को भी बेच दो यार, पागल है क्या सिंचन, ऐसे कैसे कोई खरीद लेगा? हाँ सिंचन मैं ना भाई एक बंदे को जानता हूँ जिसका सिंचन काफी बड़ा शोरूम है, वो भी कार का। अभी ना सिंचन हमने उसके घर पे चलते हैं, क्योंकि सिंचन वो बंदा मिलेगा अपने घर पे ही। उसके बाद सिंचन उसके घर पे चल के उसको सब कुछ बताते हैं। तो गाइस अभी हम उस बंदे की गली के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन सिंचन मैं ना यार उसका घर भूल चुका हूँ, पता नहीं यार उसका कौन सा घर है। एक तो फ्रेंगल भाई यार मेरे को तो यहाँ पे सारे घर सेम टू सेम लग रहे हैं, पता नहीं यार उसका घर कौन सा होगा। सिंचन मुझे ऐसा लगता है उसके शोरूम जाना पड़ेगा। एक सेकंड सिंचन, मेरे ख्याल से भाई उस बंदे का घर पक्का यही वाला है। अरे बहुत अच्छे यार उनका घर मिल गया। और फ्रेंगल भाई तुम ना टेंशन मत लेना, अगर लड़ाई होगी ना तो फ्रेंगल भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे रहने दे लिटिल जेम के बच्चे, अगर लड़ाई ना सबसे पहले तू ही भागेगा। एक सेकंड कैसे घर में घुसे चले जा रहे हो, किससे पूछ के अंदर आए? अरे सर मैंने एक आपके लिए काफी बढ़िया डील लेके आया हूँ, आपने कभी देखा है कोई बड़ी गाड़ी रिमोट से चलती हो? कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी गाड़ी आज तक बनी नहीं है। अरे सर ऐसी गाड़ी बनी हुई है, मैं जिस गाड़ी से आया हूँ सर वो कार ऐसी बनी हुई है, उसकी मुझे पूरी डिटेल बताओ फटाफट। उसकी पूरी डिटेल तो सिंचन बैनी बता सकता है। एक काम करता हूँ मैंने आपसे बैनी की बात करा देता हूँ, वो आपको सब कुछ बता देगा। तो फाइनली गाइस अभी इनको यार बैनी ने सारी डील बता दिया है और सच में यार ये अंकल काफी खुश हो गए। और गाइस जिस गाड़ी से अभी हम यहाँ पे आए ना, ये गाड़ी गाइस इन्होंने परचेज भी कर लिया, वो भी पूरे 2 करोड़ के अंदर। और इन्होंने गाइस अभी हमसे बोला है कि ये इनका जो बाहर ट्रक खड़ा है ना उसको भी हमको लेके जाना है। उसको लेके जाओ और उसको भी रिमोट कंट्रोल कार बना के लो फटाफट से। अरे यार वो रिमोट कंट्रोल कार नहीं, रिमोट कंट्रोल ट्रक बनेगा। और गाइस इस बंदे ने यार बैनी को यार फोन पे 100 कार का ऑर्डर दे दिया है। बैनी ना गाइस अब इसके लिए यार 100 कार बनाएगा जो कि यार रिमोट कंट्रोल कार होंगी। और गाइस आपको पता है इस बंदे ने यार बैनी के अकाउंट के अंदर डाल दिया डायरेक्ट 2 करोड़ रुपए। अरे चले फ्रेंगल भाई यार मैं लिटिल सिंह बैठ चुके हैं ट्रक में। हाँ सिंचन चल ही रहे। एक सेकंड सिंचन ये क्या निकल रहा है भाई ट्रक में से? अरे वाह फ्रेंगल भाई जैसे मैंने इस बटन को दबाया देखो यार इसके ऊपर से क्या निकल रहा है सिंचन? ये तो भाई अजीब सा केमिकल है जो कि भाई ग्रीन कलर का है। अरे बहुत बढ़िया फ्रेंगल भाई मेरे को तो ये स्मोक निकल रहा है। अब सिंचन पागल है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है इससे ना भाई आग लगेगी। पागल है क्या भाई, मैं अभी झाड़ियों में मार तो रहा था, कहीं भी इससे कोई आग वगैरह निकल ली? पता नहीं सिंचन ये कैसा केमिकल है। और फ्रेंगल भाई पहले एक बात बताओ यार, बैनी भैया को यार 2 करोड़ रुपए मिले तो बैनी भैया ने मिल बोला था यार हमको कमीशन देंगे यार अगर गाड़ी को बिकेंगे तो। फ्रेंगल भाई उसमें से हमको मिलेंगे ना पैसे? अरे भाई हमारी गाड़ी पे क्या छोड़ रहा है, भागलो भागलो। अबे देख सिंचन भाई अभी उस गाड़ी के ऊपर मैं केमिकल्स को छोड़ रहा था तो वो कैसे भागा? अरे वो सब छोड़ो पहले बताओ यार हमको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ सिंचन बैनी भाई हमको 50% देने वाला है भाई कमीशन, मतलब 2 करोड़ की कार बिके तो सिंचन 1 करोड़ रुपए भाई हमारे होने वाले हैं। अरे वाह अब आएगा ना असली मजा, फटाफट से भगाओ यार। बैनी भैया के पास पहुंचते हैं, उसके बाद फ्रेंगल भाई यार 1 करोड़ रुपए मिलेंगे हमको तो। फ्रेंगल भाई तुम मुझको ज्यादा नहीं, बस फ्रेंगल भाई तुम ना मेरे को 50 लाख रुपए दे देना, उसमें से मैं खुश हो जाऊंगा। अरे फ्रेंगल भाई अभी तू है कहाँ पे जल्दी बता। अरे बैनी भाई क्या हो गया तेरे को? फ्रेंकिल मैं तेरे को एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी फ्रेंकिल तू वहाँ पे जा, वहाँ पर भाई तेरे को मशीनें मिलेंगी, उस मशीन से भाई पर्दा हटाइयो और वहाँ पे तेरे को जो कुछ मिलेगा ना वो हमारा है भाई, बस तू लेके आ जियो। अरे भाई तू क्या कह रहा है, आराम से बोल। फ्रेंकिल भाई हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, हमारे जैसे 10 बंदे और जा रहे हैं उस लोकेशन पे, वहाँ पे तू पहुंच। अबे यार ये बैनी इतना हड़बड़ी में क्यों था? और सिंचन इस बैनी के बच्चे ने पूरी बात बताई भी नहीं और कॉल काट दी। अरे पर क्या कह रहे हैं वो? सिंचन वो कह रहा है कि उसने मेरे फोन पे एक लोकेशन भेजी है, हमको सिंचन वहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद सिंचन भाई वहाँ पर कोई मशीन है और वहाँ पर जो सामान होगा वो हमारा होगा, कुछ ऐसा ऐसा कहा। अरे तो चलो ना उस लोकेशन पे फ्रेंगल भैया। तो गाइस अभी हम उस लोकेशन पे तो पहुँचने वाले हैं, जो लोकेशन यार हम
हमको बैनी ने बताई थी। सिंचन तुझे क्या लगता है वहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है? अरे आप बताओ ना फ्रेंगल पे, बैनी भैया ने आपको क्या बताया था? सिंचन भाई वो इतने जल्दी जल्दी बोला था ना, मेरे को समझ नहीं आया। बस सिंचन मेरे को इतना समझ आया, उसने कुछ बोला कि सिंचन वहाँ पर मशीन होंगी, हमें कुछ अठागे दिख रहे हैं और वहाँ पर जो सामान होगा वो अपना होगा। अरे बहुत बढ़िया फ्रेंगल भाई, देखो सामने कोई मशीन तो दिख रही है। अरे हाँ फ्रेंगल भाई यार ये तो मशीन है। और सिंचन जो बैनी ने बोला भाई वो देख यहाँ पर है। अब फटाफट से सिंचन इस मशीन के ऊपर ये जो चादर बिछ रहे ना इसको हटा के देखते हैं आखिरकार भाई इसके अंदर है क्या। जो कुछ भी होगा ना सिंचन वो अपना होगा, बैनी ने तो मेरे को यही बताया था। तो गाइस अभी इस मशीन के ऊपर से हमने चादर तो हटा दी, लेकिन गाइस ये देखो चादर के नीचे हमको क्या मिला, इतना सारा पैसा। सिंचन ये पैसा किसका होगा? अरे बहुत बढ़िया फ्रेंगल भाई यार, बैनी भैया ने बोला ये हमारा होगा तो हमारा है ना। बढ़िया सिंचन यार मजे ही आ गई, इतना सारा पैसा। लेकिन यहाँ पर सिंचन इस जंगल के अंदर किसने रखा होगा मुझे क्या पता है फ्रेंगल भाई यार। अब फटाफट से सारे लोग निकलते हैं फ्रेंगल भाई घर की तरफ। सही कह रहा है, लेकिन ये मशीन ये काय चीज की मशीन है? एक काम करूं क्या सिंचन, इसको स्टार्ट करूं? अरे करके देखो फ्रेंगल भाई आखिरकार होता क्या है। रुक सिंचन इस वाले को स्टार्ट करके देखते हैं, वो जो दूसरी साइड खड़ी है। अरे फ्रेंगल भैया मेरे को तो नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ, इसे ये मैंने बटन दबाया। अरे ये क्या कर दिया फ्रेंगल भाई यार। अब ले सिंचन जैसे मैंने इसको स्टार्ट करा भाई इसके अंदर से तो काफी तगड़ा स्मोक निकल रहा है, मेरे को लग रहा है सिंचन ये हो गई मशीन खराब। फटाफट से सिंचन यहाँ पर जितना पैसा ना सारा का सारा ट्रक में रख, उसके बाद निकलते हैं भाई इस जगह से। देखियो यार कितना तगड़ा काला धुआं छोड़ रही है सिंचन, ये भाई बहुत तगड़ी खराब हो गई। अरे ये क्या हुआ अब? अरे ये तो सिंचन भाई कोई गेट टाइप लग रहा है मेरे को, लेकिन वो मशीन कहाँ गई? अरे यार मेरे को तो डर लग रहा है यार, बैनी भैया ने पता नहीं हमको कहाँ पहुंचा दिया। लेकिन सिंचन ये गेट यहाँ पे आया कैसे? एक सेकंड सिंचन भाई ये कौन सी लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो गए भाई हम? अरे फ्रेंगल भाई जैसे यार तुम यार इस गेट के आर पार हुए ना, उसके बाद फ्रेंगल भाई यार हम इस लोकेशन पे आ गए। यहाँ पर तो सिंचन बहुत सारी सुपर कार है, एक काम करता हूँ सिंचन बाहर से चेक करता हूँ आखिरकार भाई हम कौन सी लोकेशन पे आ गए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, अरे हाँ गाइज मेरे को एकदम सही लग रहा है, वो देखो गाइज हम तो यार अपनी लोकेशन पे है। वहाँ देखो गाइज हमारा ट्रक वगैरह खड़ा है और वो जो यार मशीन है ना वो भी गाइज वहीं पे ही है, मतलब हम अपनी लोकेशन से जस्ट थोड़ी दूर पे ही टेलीपोर्ट हुए हैं। और यहाँ पर भाई बहुत सारी सुपर कार है। गाइज मेरे को अभी फटाफट से बैनी को कॉल करके सब कुछ बताना है आखिरकार यहाँ पर ये हो क्या रहा है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर जितनी भी सुपर कार है ना और जितना भी पैसा हमको मिला है वो सारा का सारा लेके गाइज हम यहाँ से निकल जाएंगे। और क्या फ्रेंगल भाई जल्दी से निकल जाओ, अगर कोई और आ गया ना तो फ्रेंगल भाई वो लेके चले जाएगा ये सारे सामान। जल्दी बैठ सिंचन इस कार में। सच में सिंचन भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है हमारा सिंचन लक खुल गया, अब तो सिंचन हम भी अमीर होने वाले। अरे वाह फ्रेंगल भाई यार तुमने ये बात बोली ना तो मेरे को तो यार अंदर से बहुत ज्यादा खुशी मिली। लेकिन सिंचन भाई यहाँ पर जितनी भी गाड़ी है वो ले जाने के लिए हमको काफी बड़े बड़े ट्रक मंगाने होंगे, तो यार बैनी ये सारे काम कर सकता है। बैनी और लैस्टर को सिंचन में दोनों को कॉल मिला देता हूँ, उसके बाद सिंचन वो बंदों को भेजेंगे और यहाँ पर जितना भी कुछ है ना सारा का सारा सामान लेके सिंचन अपने घर निकलते हैं। उसके बाद तो सिंचन हम एक नया घर खरीदेंगे। हाँ यार नया घर खरीद के फ्रेंगल भाई यार उसी घर में रहेंगे यार, और अपने घर को भी डेवलप करवा लेंगे और मेरे लिए बड़े बड़े दो तीन रूम बनवा देना। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रेंकल सिंचन आपकी भाई तो यार फटाफट गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।